दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अभिया रिस्ट किन किन बीमारियों के लिए फायदेमंद है, इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन इसे ले सकता है और कौन नहीं, इसका प्राइस क्या है और लास्ट में इसे लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखना, तभी आपको हर एक बात की सही और सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे पास वैद्यनाथ कंपनी का ये अभिया रिस्ट है, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 145 रुपए है, यानी 145 रुपीस, जो आपको 450 ml के प्लास्टिक की बोतल में मिलेगा। और इसे आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर, मेडिकल स्टोर से बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक दे दूंगा अमेजोन की, जिसे आप घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पर कि अभिया रिस्ट से आपको क्या फायदे मिलेंगे। दोस्तों अभिया रिस्ट कई तरह के बीमारियों के लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन खास तौर पर इसका प्रयोग बवासीर और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अभिया रिस्ट में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो मल मूत्र की रुकावट को दूर करते हैं और हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाने का काम करते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं, और इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह यही है, हमारा ये लाइफस्टाइल और हमारा ये खराब खानपान और ये लेजीनेस, जिस कारण हमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो आप इस अभिया रिस्ट का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों को पुराने से पुराना कब्ज की समस्या है, तो वे लोग अगर अभिया रिस्ट का सेवन रोज करते हैं तो उनको कब्ज की समस्या में जबरदस्त तरीके से फायदा देखने को मिलेगा, वे काफी स्वस्थ और फ्रेश फील करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें बवासीर की, चाहे खूनी बवासीर हो या सूखी बवासीर हो, दोनों ही कंडीशन में गुदा द्वार में सूजन हो जाना और मसों का फूल जाना रोगी को काफी दर्द देता है। तो अगर आप अभिया रिस्ट का सेवन करते हैं तो गुदा द्वार में जो सूजन होती है वो तो दूर होगी ही, और साथ ही बवासीर के मस्से में भी काफी आराम मिलता है, वे आकार में छोटे होने लगते हैं क्योंकि मस्से में ही सूजन इसके सेवन से दूर होने लगती है। तो अभिया रिस्ट बवासीर की समस्या को ठीक करने का काम करती है और साथ ही दर्द की समस्या से भी राहत दिलाती है। दोस्तों अभिया रिस्ट के तो और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर जिनको गैस हमेशा बनती है काफी लंबे समय से, पुराने से पुराना, तो उनको भी अभिया रिस्ट का सेवन करना चाहिए, उनको कुछ ही दिनों में गैस की समस्या से राहत देखने को मिलेगी। कुछ लोग कितना भी खा लें लेकिन उनकी सेहत नहीं बन पाती, यानी उनका खाया पिया उनके शरीर में नहीं लगता, तो ऐसे लोगों को भी अभिया रिस्ट का सेवन करना चाहिए, ये आपके खाने को जल्द से जल्द पचाने में मदद करेगा। दोस्तों कुछ लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसी समस्या देखने को मिलती है, वे काफी परेशान रहते हैं, तो वे लोग अगर खाना खाने के बाद अभिया रिस्ट का सेवन करते हैं तो उनको पेट फूलने जैसी समस्या में काफी फायदा देखने को मिलेगा, उनका पेट फूलना बंद हो जाएगा और उनका खाया पिया अच्छी तरह से हजम होगा। दोस्तों अभिया रिस्ट के आपको इतने सारे फायदे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हरड़ का छिलका, महुए के फूल, वाई विड़ंक, सौंठ, मुनक्का आदि और भी कई बेहतरीन जड़ी बूटियों से मिलाकर इस अभिया रिस्ट को बनाया गया है, जो आपके पेट से संबंधित समस्याओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों अगर बात करें कि इसको यूज कैसे करना है, तो आपको इसे 15 से 30 ml बराबर मात्रा में पानी मिलाकर लेना है, यानी आपको जितनी दवा लेनी है उतना ही आपको पानी मिलाकर लेना है, और आप इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद दिन में दो बार तक ले सकते हैं। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको दिन में एक बार तक ही लीजिए, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसको दिन में दो बार तक ले सकते हैं।
इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसका सेवन करने के बाद आपको कोई हेल्थ में इश्यू लगता है तो आप इसको लेना बंद भी कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस अभयारिष्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण भरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कभी ऐसी कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।